तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर बलून। और गाइस यार जब भी कोई इंसान कोई नई चीज ट्राई करता है ना, तब उसके काफी कम चांसेस रहते हैं कि वो पहली बारी में ही सफल हो जाए। तो गाइस यार इस चीज को भी हमने इससे पहले ट्राई नहीं किया है, हमने कोई भी टेस्ट कोई भी इससे पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कि ये चीज कैसे काम करेगी, करेगी या फिर नहीं करेगी। पहले हमने सोलर बलून बनाए थे लेकिन वो इतने ज्यादा बड़े नहीं थे। तो गाइस यार इसे हम आज पहली बार ही ट्राई करेंगे आपके साथ में। तो गाइस अगर ये चीज सक्सेस होती है तब यार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 6 लाख लाइक्स। आप लोगों को मुझ पर विश्वास है, मुझे आप लोगों पे विश्वास है, तो चलो अब बनाते हैं। तो गाइस यार इसके लिए हमारे पास है यहां पर एक बहुत ही बड़ी काली पॉलीथीन। आप देख सकते हैं कि ये सच में बहुत बड़ी है। और गाइस इसकी मदद से ही हम बनाएंगे सोलर बलून। तो गाइस यार सोलर बलून बनाने के लिए हमें काली पॉलीथीन की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ वो जो पॉलीथीन है वो बहुत ज्यादा हल्की होनी चाहिए। तो चलो अब इसे बनाते हैं, इसे फैलाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा है। देखो आने दो आने दो आने दो आने दो, बस बस। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक ये कितना बड़ा है। और गाइस मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर जो हवा है वो गर्म होगी या फिर नहीं होगी, ये उड़ेगा या फिर नहीं उड़ेगा। सोलर बलून का एक ही छोटा सा प्रिंसिपल होता है कि इसके अंदर की हवा गर्म होती है, गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, इसीलिए हवा में ऊपर उठती है। तो चलो इसे एक साइड से काट देते हैं। उड़ा दो उड़ा दो, जान दो जान दो जान दो। अरे यार बाबू इधर दे, ऐसे थोड़ी कटती है। देख मैं काटता हूँ, देख ऐसे कटती है सीधे ही ये। अब क्या करते हैं, इसके एक साइड वाले मुंह को अपन पैक कर देते हैं और दूसरी साइड से इसके अंदर हम हवा भरेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो इस वाला साइड वाला मुंह है वो पूरी तरीके से सील हो जाए। इसके अंदर से हवा लीक हुई तो हमारा जो सोलर बलून है वो काम नहीं करेगा। तो गाइस यार एक साइड से हमने इसे कर दिया है सील और दूसरी साइड से इसके अंदर भरते हैं हवा। और साथ ही साथ गाइस ये सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा सोलर बलून है, तो इसके अंदर मुंह से या फिर वैसे नॉर्मली हवा नहीं भरी जाएगी। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस बैड बॉय की। चलाओ 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 चलाओ, देखते हैं कि ये कितनी जल्दी भरता है। वो ओ तेरी काफी बड़ा है यार ये। चलने दो हल्की हल्की हवा चलने दो, धीरे 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 धीरे, बस इसे 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 पकड़ते हैं। इधर ले आओ, पकड़ो मुंह 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 पैक कर दो इसका। राइट गाइस, अब इसके इधर वाले मुंह को भी सील करते हैं और फिर इसे बाहर लेके चलते हैं कड़कती धूप के अंदर। फिर हमारा ये जो बलून है ये सोलर बलून बन जाएगा, उम्मीद तो यही है। आप जब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इंट्रो प्ले करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि अभी से इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हम इसे धूप में नहीं लेके गए हैं, लेकिन पूरा फुलाने के बाद दोनों तरफ से पैक करने के बाद ये जो चीज है कितनी कमाल धमाल दिखाई दे रही है। देखो यार एक बहुत ही खतरनाक। तो चलो अब इसे धूप में लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा सोलर बलून है ये रियल में सोलर बलून बनता है या फिर नहीं। बाहर जो है धूप अंदर की हवा को गर्म करेगी और फिर देखते हैं कि ये उड़ता है या फिर नहीं। बाकी गाइस ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है और साथ ही साथ सारी जो मिट्टी थी वो इसके ऊपर चिपक चुकी है, इस वजह से भी ये थोड़ा सा भारी हो गया। उठा के रखो, नीचे ज़मीन के नहीं अड़ना चाहिए, ज़मीन के अड़ गया दिक्कत हो जाएगी। राइट गाइस, तो यार अभी जो हमारा आइडिया है वो थोड़ा थोड़ा सा वर्क करने लग गया है। इसके अंदर की जो हवा है वो गर्म हो गई है और हमारा ये जो ट्यूब है, हमारा जो इतना बड़ा सोलर बलून है, ये काफ़ी ज़्यादा हल्का हो गया है। देखो देखो देखो, हालांकि हमने जिस पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है वो थोड़ी सी ज़्यादा भारी है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं ले पा रहा है, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा हल्का है कि हल्के बिल्कुल हल्का सा पुश करने पर भी ये हवा में जा रहा है। देखो छोड़ो छोड़ो, देखो
ओह देखो वू आ पकड़ के रहो, पकड़ो 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 ओ तेरी पकड़ 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 पकड़। ऑल राइट गाइस, अभी ये छोड़ना, एक मिनट छोड़ना। अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसे नहीं पकड़ रखा है और ये खुद ब खुद ही हवा के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोलर बलून है वो काम तो काफी अच्छे से कर रहा है, लेकिन हमारी ये जो पॉलीथीन है ये थोड़ी सी भारी है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा हाइट में नहीं जा पा रहा है। तो चलो यार किसी दूसरे आइडिया का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन लाओ, ड्रोन 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 की मदद से इसे बांधते हैं और उसे उड़ा के देखते हैं। उसमें एक रिस्क भी हो सकती है कि हमारे ड्रोन को ये पटक भी सकता है, क्योंकि हवा ने इसको अगर इधर उधर हिलाया तो ड्रोन भी इधर उधर जाएगा। लेकिन फिर भी यार खतरों से खेलना हमारी आदत है। नीचे लाओ, नीचे नीचे नीचे, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ। ऑलराइट गाइस, ये मैंने आपे ड्रोन के अंदर इसे अटैच कर दिया है। धीरे धीरे अप 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 अप, ध्यान दो ध्यान दो। हमारे ड्रोन ने सोलर बलून का वजन आसानी से उठा लिया और ये जो सोलर बलून है बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। उसके बाद हमारा ड्रोन बुरी तरीके से फड़फड़ाने लगा। फिर मैंने सोचा यार चलो ठीक है, उसे बख्शते हैं, इतना बड़ा नुकसान करवाने का कोई मतलब नहीं है, हमारी चीज़ काम कर गई। यकीनन इसमें बहुत मजा आया। अगर आपको भी आते, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय ड्रोन, थैंक यू सो मच कि आप गिरे नहीं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा उड़ाओ उड़ाओ, ऊपर उड़ाओ ऊपर उड़ाओ इसको। टेंशन ना लो गाइस, अब की बार अगली वीडियोस के अंदर इससे भी खतरनाक बनाएंगे। उस बार हम क्या करेंगे, इससे हमें पता पड़ गया कि दिक्कत यहाँ पे है कि ये जो पॉलिथीन है ये काफी ज्यादा मोटी है, इस बार थोड़ी सी हल्की पॉलिथीन का इस्तेमाल करेंगे। देन जियो टाइटेनियम आर्मी, लव यू।